देखिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग को मालूम है, चल रहा है अभी यहाँ पर रमजान का माह। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को रात में जो है इस वक्त ज्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, आज जो हम करने वाले हैं, हम लोग नहीं, आप लोग करने वाले हैं क्या? आप लोग करने वाले हैं एक प्रकार से यहाँ पर एक मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व, ठीक है? तो यहाँ पर इस मॉक टेस्ट के चलते आपको दिखाए जाएंगे अभी आपके स्क्रीन के ऊपर 10 सवाल, जिनको पढ़ा जाएगा हमारे जानिब से। तो उसको क्या करें, आप उसको देखें, सुने, समझें और उसका सही सही उत्तर देने का प्रयास करें। कहाँ पर? ये आपके कमेंट के अंदर, ठीक है? तो कमेंट के अंदर इसका सही सही उत्तर देने का प्रयास करें आप, इन 10 सवालों का। अगर आपसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो क्या करना है, बिना किसी से कुछ कहे एनसीईआरटी खोल ली है, उठाना है, पढ़ना है, एंड देन पुनः शुरू हो जाना है, ठीक है? क्योंकि कहानी का अंत कहाँ होगा, स्टोरी खत्म कब होगी, जब आप में से कुछ लोग रुक जाएंगे पढ़ना, है ना, पढ़ना स्टॉप कर देंगे। उनके लिए दिक्कतें हैं जो निरंतर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, है ना? उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी भी पेपर के अंदर, ठीक है? तो अगले हो गए आपके सामने स्क्रीन के आगे 10 सवाल। इसके उत्तर आप लोग करेंगे नीचे यहाँ पर कॉमेंट के अंदर, ठीक है? हमको इसके उत्तर नहीं पता है, तो आप लोग जो है यहाँ पे कॉमेंट करें, आप ही लोग बताएं क्या सही है और क्या गलत है, इसका आंसर क्यों है, क्या है, जितना भी आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, इसको आप विवरणात्मक रूप से या व्याख्यात्मक रूप से जितना भी आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं, और नहीं बता सकते हैं तो जाके क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? तो देखिए, परीक्षा जैसे बता रहे हैं कि आपकी अप्रैल माह में होने की संभावना है या किसी भी माह में हो, आपकी तैयारी जो है थोड़ा बहुत आप ढीला पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपकी जो बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसको बार 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 पढ़ते रहे। पेपर अगर टफ भी होता है तो अधिक से अधिक सवाल कहाँ देखने मिलेंगे आपको, आपको एनसीईआरटी से देखने मिलेंगे। और अगर एनसीईआरटी में आपको दिक्कतें होती है तो फिर आपको दिक्कतें होंगी 3.0 के अंदर भी, ठीक है? इसी के साथ जो कोर्स के वीडियो का पार्ट है उनके लिए देखिए, आपका कल से जो है मॉक टेस्ट 21 से 25, कुछ आप लोग को 5-10 दिनों का विराम दिया गया था, ठीक है? क्योंकि एग्जाम का डेट वगैरह सब बीच में सब मसला चल रहा था, उसके चलते 21 से 25 तक आपके जो यहाँ पे स्पेशल मॉक टेस्ट यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग टाइम का वहां पर बखूबी ख्याल रखें, टाइम पे पहुंचे, टाइम पे सबमिट करें, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो आप लोग ये साथ साथ में उत्तर भी दे सकते हैं इसका, और अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हैं तो नीचे आप जो है कमेंट 1 का ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा, इस प्रकार से नीचे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद खुद ही क्या करें, आप खुद ही जाकर अपने जो आंसर्स हैं उसको भी चेक करिए, कहाँ पे आपके सबके उत्तर कहाँ मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 1 जानिब से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने जो आने वाला है वो है आपके सामने ये, डैश रिफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है? खालिस्थान जो है किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताओं को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। आप एक व्यक्ति हैं, ये दूसरा व्यक्ति है और ये चौथा व्यक्ति है, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं, कुछ इसकी होंगी, कुछ इसकी होंगी, कुछ इसकी होंगी, को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। क्या बनाती है अलग? इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, या फिर एप्टीट्यूड, कौशल, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही उत्तर? थोड़ा सा हमारे समझाने के बाद थोड़ा सा आसान हुआ होगा एज कम्पेयर टू जो आपने पहली बार देखा होगा। इस प्रकार से ही आपको भी तोड़ तोड़ के चीजों को पढ़ना है, चबा चबा के पढ़ना है, और इस प्रकार से उत्तरों को सही करना है, +1 लेके आना है। खालिस्तान रिफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, पर्सन 1, पर्सन 2, एज वेल एज पर्सन 3, दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। ही और शी इज डिफरेंट, ही और शी इज डिफरेंट, ही और शी इज डिफरेंट, सो वाई दे आर डिफरेंट, ABCDE, राइट? ओके, तो ये है आपका पहला सवाल, इसको उत्तर देने का प्रयास करें। हम चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल कहता है, हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, बुद्धि की संरचना मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? चार्ल्स स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जेपी गिलफर्ड, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। यहां पर क्या होना चाहिए सही उत्तर? चार्ल्स स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जेपी गिलफर्ड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं,
अब 2 से ज्यादा तो नहीं दिया होगा, डी ऑप्शन तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा है, डी ऑप्शन किसी हालत में नहीं हो सकता है ना, होगा तो इन तीनों में से कोई होगा या फिर ये भी होने की संभावना कम लग रही है हमारे हिसाब से। बाकी सही उत्तर देंगे आप लोग, ए बी सी क्या होना चाहिए सही उत्तर यहाँ पर उसके बारे में बताएं। कोई किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धि की संरचना मॉडल का बात कर रहे हैं। अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं कि जब आप पढ़ते हैं किसके बारे में, आप पढ़ते हैं बुद्धि के बारे में, तो आपको अलग अलग चीजें अलग अलग थ्योरी बताई गई हैं। एक आपको वहां पर किसी मॉडल के बारे में बताया गया है, वहां पर कोई बात करते हैं अलग मॉडल के बारे में, कोई बोलता है कि केवल बुद्धि जो है एक ही है, कोई बोलता है बुद्धि जो है, दो कारकों से मिलकर बनी है। इस प्रकार की अलग अलग थ्योरीज है, उन्हीं में से एक कौन सी है, आपकी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात कौन करते हैं वो आपको बताना है। आपकी एक्यूरेसी को अब अच्छी होगी जब आपको सारी थ्योरीज किस किस ने बताई है, कौन कौन किया हुआ है, सबका जमावड़ा आपको मालूम होगा, तो आप इसमें कभी भी गलती भूल कर भी नहीं करेंगे, भूल कर भी चूक मिस्टेक आपसे यहाँ पर नहीं होगी। ऑलराइट, ओके, सो हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, SOI मॉडल किसने बताया, वो यहाँ पर इसका आप उत्तर देवे। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन, मतलब सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण, ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है, सूचना प्रसंस्करण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दृष्टिकोण उन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिनका लोग उपयोग करते हैं। कब उपयोग करते हैं, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के दौरान, एप्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, या फिर आपके मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है ए बी सी डी, बौद्धिक तर्क के दौरान, योग्यता परीक्षण के दौरान, समस्या समाधान के दौरान, डी या फिर ई। अगर आपको ये सवाल टफ लग रहे हैं, कोई टफ नहीं है, सब कुछ कहाँ से उठाए गए हैं, आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, इसका मतलब आप एनसीईआरटी को तवज्जो दे नहीं दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है आपके सामने सवाल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, अगर आप वो समझते हैं वो जानते हैं तो आपके लिए सवाल जो है काफी ज्यादा सुलभ और आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, अगला आपको अगेन दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है बुद्धि से। बुद्धि कह रही है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल सो एज टू बॉन्ड इन टू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स, अन्य लोगों के उद्देश्यों भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता ताकि उनके साथ एक आरामदायक रिश्ते में बन सके, क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा आपका इंटरपर्सनल और ये हो गया आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इनमें से क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो इसके मोटिव समझ रहा है, फीलिंग्स समझ रहा है और बिहेवियर को भी समझ पा रहा है, जिससे क्या हो, एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप अन्य के साथ स्थापित हो सके। तो वो जो है किसमें होगा, हाई वगैरह ऐसे पूछ रहे हैं, उसके पास क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा, जो सही होगा वो आपने यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगेन आपको सवाल मिल रहा है, अ 14 ईयर्स ओल्ड हैज अ मेंटल एज ऑफ 14 ईयर्स, व्हाट विल बी हिज हर IQ, 14 वर्ष का बच्चा है, उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 130 होगा, 110 होगा, 100 होगा, डी होगा, ई होगा। काफी आसान सा है, IQ का फॉर्मूला आपने लगाना है और इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 1905 में जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमारे पास क्या थी, केवल जब बात की गई थी, केवल मानसिक आयु की बात की गई थी, फॉर्मूला जो आया था वो बाद में आया था आपका 1912 में, और इस्तेमाल पहले कब किया गया वो अगर आपको मालूम हो तो वो आप बता दीजिएगा, हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर देन एवरेज क्या कहलाती है, औसत से काफी अधिक बौद्धिक क्षमता को हम क्या कहते हैं, औसत क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, लिखा हुआ है औसत बुद्धि की बात, मेंटली एबल्ड मानसिक रूप से सक्षम, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही आंसर, उसको देने का यहाँ पर प्रयास करें, एक ऐसी एबिलिटी, एक क्षमता सिग्निफिकेंटली हायर देन एवरेज, औसत से उच्च की बात हो रही है, ए बी सी डी ई क्या आएगा, इसको आपको कंफर्टेबली यहाँ पर बन जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, आज जैसा कि आपको बताया था बुद्धि के अंदर अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग सवाल बनेंगे, तो अलग अलग सवालों के उत्तर भी आपको सही सही बनने चाहिए। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज बाय
मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आर्थर जेनसन के द्वारा, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, डी मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही उत्तर, इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें और इसलिए एनसीईआरटी 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ें। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आसान सवाल है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल के अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर हम जो है व्यथित हो जाते हैं और सही होते हुए भी हम जो है गलत कर देते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके लास्ट टाइम 44 आए थे, 42 आए थे, 43 आए थे, 38 आए थे, अधिकतर लोगों ने क्या किया, आते हुए भी कुछ सवाल -1 -2 लेके आ गए और फिर वो जो कट ऑफ से नीचे चले गए। इसलिए आपको आसान भी है, फिर भी उसको बार बार पढ़ना है। बेसिक चीजें आपने अच्छे से क्लियर करनी है ताकि एग्जाम हॉल के अंदर कितना भी प्रश्न आपको घुमाए, आपने वहां पर घूमना नहीं है। चलिए अब यहाँ पर घूमिए। EQ इन इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर, हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि में EQ का अर्थ क्या है? इक्विवेलेंट क्वोशेंट है, एक्सेप्शनल क्वोशेंट है, इमोशनल क्वोशेंट है, भावनात्मक भागफल, असाधारण भागफल और आपका समतुल्य भागफल, या फिर डी या फिर ई, इनमें से कौन सा नहीं है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन कई बार क्या होता है गलती कर जाते हैं लोग, ये मार्क कर देंगे, ये मार्क कर देंगे, ये मार्क कर देंगे, हमको नहीं पता सही उत्तर क्या है, वो आपने यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, ये आपका सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है आपसे, अकॉर्डिंग टू टर्मेन, पर्सन विथ हाईली हाई IQ मैंडेटरीली क्रिएटिव, आर पर्सन विथ हाई IQ मैंडेटरीली क्रिएटिव। टर्मेन के अनुसार क्या उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से रचनात्मक होते हैं? अनिवार्य यानी कि ये जरूरी है, जैसे कि अनिवार्य क्या है, आपका PGDT देने के लिए आपको BEd होना आपका जो है वो जरूरी है। ठीक है, ये क्या है, ये मैंडेटरी है, बिना BEd के MEd वाले इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पूछ रहे हैं, टर्मेन के अनुसार ऐसे लोग आर पर्सन विथ हाई IQ जरूरी है क्या वो रचनात्मक भी होंगे? यस, नो, नॉट नेसेसरली, डी या फिर ई, जो भी सही उत्तर है वो यहाँ पर आप इसको देने का प्रयास करें। उत्तर नहीं आने पर पुस्तिका खोलें और पुस्तिका में पाठ का अध्ययन करें। अगला सवाल देखिए, और ये जो है आज इस सीरीज का यहाँ पर अंतिम सवाल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ पास मॉडल, पास मॉडल किसने दिया, एनसीईआरटी पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन पास मॉडल की इकाई नहीं है? प्लानिंग, एग्रेसिव, साइमल्टेनियस, डी या फिर ई। क्या होगा इसका सही उत्तर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। पास मॉडल आपको मालूम है, जेपी दास वगैरह अगर नाम सुना है, लिया उठाया गया कहाँ से था, लूरिया के पास से उठाया गया था। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये आपको एनसीईआरटी में शायद नहीं मिले लूरिया का उल्लेख, लेकिन ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ पास मॉडल, कौन सा नहीं है, प्लानिंग, एग्रेसिव, साइमल्टेनियस, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये थे आपके आज के यहाँ पर 10 सवाल, आपके PGT शिक्षक भर्ती BPSC TRE 3.0 से संबंधित। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसमें 10 सवाल देखे, 10 सवाल में क्या रहा आपका स्कोर उसको भी यहाँ पर नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, कमेंट करिए और जाके अगर कम आ रहा है स्कोर तो एनसीईआरटी में जाके आप दोबारा इसको पुनः चेक करें, फिर से टेस्ट को लगाएं और अपने उत्तर जो है वहां पर सही करें। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, जब भी परीक्षा होगी निरंतर पढ़ते रहें, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक रास्ता आ चुकी होगी, मोनोटनी आ चुकी होगी, लेकिन वो बस एक भाग है आपके जीवन का, सभी के जीवन का एक भाग है। एक रास्ता को स्वीकारें, जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक इसके पीछे लगे रहें, और बिल्कुल भी अपना जो पल है, जो मौका है आपका 3.0 वाला, उसको बिल्कुल भी आप जाया ना करें। ठीक है, ये जाया कर देंगे 4.0 में दिक्कतें आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और कंपटीशन बढ़ जाएगा, कट ऑफ वगैरह और शूट करेगा बहुत तेजी में ऊपर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़ना है, काफी अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना।